बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको डेट्स एंड वॉलनट केक की रेसिपी दूंगी। इसके लिए आपने 250 ग्राम सीडलेस खजूरें लेनी है, इनको आपने रफली चाप कर लेना है। 125 ग्राम अखरोट, इनको भी आपने रफली चाप कर लेना है। 125 ग्राम मक्खन, 150 ग्राम ब्राउन शुगर, 2 अदद अंडे, 150 ग्राम मैदा और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा लेना है। सबसे पहले आपने मक्खन लेना है। मक्खन को आपने इस तरह से फेंट लेना है। इस तरह से मिक्स करने के बाद आप ब्राउन शुगर डाल दें, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस तरह से अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप दोनों अंडे डाल दें इसमें। इसको भी आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसमें रफली चाप की हुई खजूरें डाल दें। साथ ही अखरोट भी डाल दें। इनको भी आप मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसमें मैदा और बेकिंग सोडा छान कर डाल दें। ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसको भी अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। इस तरह से आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ये गाढ़ा सा पेस्ट की तरह बन जाएगा। ओवन को आपने 170 डिग्री पर आपने प्रीहीटेड कर लेना है और इस तरह से आपने कोई भी बेकिंग ट्रे ले लेनी है, उस पर आपने मक्खन या तेल लगाकर ऊपर मैदा लगा देना है और फिर ये सारा अमेजा आपने इसमें डाल देना है। इसको आप अच्छी तरह से फैला लें। फैलाने के बाद आपने इसे आप ओवन में तकरीबन 1 घंटे के लिए रखना है। केक रेडी हो चुका है, इसे अब मैं बाहर निकाल दूंगी। अब इसे मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी और फिर बाद में इसके पीसेस काट लूंगी। अब इसको मैं काट लूंगी। अब इसको मैं सर्विंग ट्रे में रख लूंगी।
लीजिए डेट्स एंड वॉलनट केक तैयार हो चुका है। इट्स वेरी टेस्टी केक, जरूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने अजीजों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।